कम से कम पहुँच चुके हैं और यहाँ ट्रेन एकदम टाइम भी चलती है, कहीं डिले नहीं होता है। और ट्रेन की गेट जो होती है वो ऐसे एकदम पूरा पैक रहता है। और ये समरकंद का रेलवे स्टेशन है, तो ये जो टैल्गो होती है ये सब बुलेट ट्रेन होती है, एकदम फास्ट चलती है। इतनी तेज स्पीड होती है, आपको सोचिए 400 किलोमीटर हमने 2 घंटे में पूरी कर ली, वो भी खाते पीते मस्ती से। ठंड तो यहाँ है बट थोड़ी धूप उगी हुई तो राहत है। और आपको हर जगह ऐसे ही ट्रेन में चढ़ने से पहले ये मोहतरमा आपका टिकट और पासपोर्ट चेक करेंगे, फिर उसके बाद आप यहाँ से जा सकते हैं ट्रेन के अंदर। ये ट्रेन जो होती है वो बुखारा तक जाती है, बट हमें समरकंद तक जाना था तो मैं अपना स्टेशन आ गया। बिल्कुल मस्त है। हेलो, ड्रॉप माय हॉस्टल एंड वेरी यंग बॉय। यस, हमें ये मुझे ड्रॉप करेंगे हॉस्टल, और ये बहुत यंग है और ये मैं समरकंद आ चुका हूँ। क्या धूप भी यहाँ काफी निकली हुई है, अच्छा लग रहा है। What is this? Tramway. Tramway. Yes. Oh, yeah, local tramway. Wow, nice. ये बता रहे हैं कि यहाँ पे जो गैस जो अभी गाड़ियाँ चल रही है वो पेट्रोल से चल रही है, और पेट्रोल $1 लीटर है। और इन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे गैस भी है, सीएनजी से भी चलती है, बस सीएनजी के कारण ये प्रॉब्लम है कि स्नो में जम, मतलब वो स्नो के कारण वो सीएनजी काम नहीं करती। तो ये भैया मुझे मेरे होस्ट के यहाँ छोड़ेंगे, तो बहुत अच्छे हैं। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इन उज्बेकिस्तान। भाई इधर होती है ना ड्राइविंग सीट, इधर होती है, तो मैं 2-3 बार कंफ्यूज हो गया, गेट उधर साइड से बैठना है कि इधर साइड से बैठना है। तो यहाँ मौसम बढ़िया है और यहाँ पे ठंड भी बिल्कुल नहीं फील हो रही, क्योंकि धूप हो गई है ना, और स्नो भी इधर सब पिघल चुका है, तो कुछ अच्छा लग रहा है यहाँ पे। यह है ताशकंद का, सॉरी उज्बेकिस्तान का समरकंद सिटी। ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग के लाइन, मतलब हम लोग के कार्ड से रिलेटेड मिलेंगी। इमाम बुखारी जो हैं वो यहीं के थे।